गाइज, अगर आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर या सेलर हो जो अमेज़ॉन पे फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पे फूड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। गाइज, फूड प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसे ही अमेज़ॉन पे आके लिस्टिंग नहीं कर सकते हो, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है उन लाइसेंस को सबमिट करके। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें लाइसेंस चाहिए और कैसे हम अप्रूवल लेंगे अमेज़ॉन पे फूड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब गाइज, फूड प्रोडक्ट दो तरह के फूड प्रोडक्ट में सेलर होते हैं। एक जो ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे बहुत से कंपनी होते हैं, आशीर्वाद होता है, मैगी, ये जो कंपनी है नेस्ले, इन सब के फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। आप या तो इनके फूड प्रोडक्ट्स होलसेल में बाय करके फिर अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, या फिर या आप ऐसे सेलर हो जो मैन्युफैक्चरर हो जो अपने फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। जैसे बहुत से जगह पे खाकरा, बहुत से जगह पे पीकल्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और वो अमेज़ॉन पे चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल कर सकें। तो यहाँ पर दो तरह के सेलर हो गए, एक तो रीसेलर जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो मैन्युफैक्चरर जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं। तो दोनों तरह के सेलर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट दोनों सेलर्स को चाहिए और जो फूड लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो आप कैसे बनवाओगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सीधे मैं आपको सेलर पैनल पे लेकर चलता हूं जहां पर देखेंगे कैसे अप्रूवल लेंगे और कैसे फूड प्रोडक्ट की सेलिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हे गाइस, अभी हम अमेज़ॉन सेलर पैनल पे हैं और यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप जो है यहां पर अपना जो अप्लाई है ग्रॉसरी आइटम के लिए कैसे कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप अपने सेलर पैनल पे लॉगिन करेंगे, आप अपने इन्वेंटरी देन मैनेज इन्वेंटरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट पे आप क्लिक कीजिए। पहले हम ग्रॉसरी के लिए अप्रूवल लेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है आई एम नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, ये आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस पैनल पे आएंगे, यहाँ पर आपको ग्रॉसरी का जो सेगमेंट है वो सेलेक्ट करना है, कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका ग्रॉसरी है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप ग्रॉसरी में जो आप देख सकते हैं बहुत से हैं, कुकीज है, फिर आपका ड्राई फ्रूट है, बहुत सारे हैं, जो भी आपको चेक करना है कोई एक आप जो है वो क्लिक कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉसरी का जो है अभी यहाँ पर आपका लॉक लगा हुआ है, यानी आपको ग्रॉसरी में अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लर्न मोड पर क्लिक कर लेते हैं। लर्न मोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो पेज ओपन होगा जहाँ से आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल है, हाउ डू आई अप्लाई सेल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। तो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पे आप कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको एक यहाँ पर पूरा समरी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉसरी का कैटेगरी होगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल है, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपसे अमेज़ॉन कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो सारे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अमेज़ॉन पे अगर आप ग्रॉसरी कोई सेलर सेल करने आते हैं तो दो तरह के सेलर होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो रीसेलिंग करते हैं, किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके फूड प्रोडक्ट आते हैं वो सेल करना चाहते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना होगा रीसेलिंग स्लैश कभी कभी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। मैं पहले रीसेलर लिखता हूँ, फिर मैं आपको मैन्युफैक्चरर बताऊंगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको कैसे सेल करना है। तो रीसेलर्स का लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर गाइज आपको पूरा एकदम अमेज़ॉन ने क्लियर बताया है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं उसका परचेज इनवॉइस होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप परचेज इनवॉइस कहीं से भी ले सकते हैं। जो परचेज इनवॉइस आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आप नेस्ले के फूड प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो नेस्ले मैन्युफैक्चरर है, तो आपके पास मैन्युफैक्चरर से बिल होना चाहिए या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होना चाहिए। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर से तो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि नेस्ले बहुत बड़ा कंपनी है, आप उतना ज़्यादा बल्क में तो परचेज नहीं करेंगे, तो जाहिर है आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से बिल लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जैसे नेस्ले कंपनी का हर एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो आपकी भी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आपको कैसे पता चलेगा कौन है? तो आपके आसपास जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको बता देंगे, क्योंकि जो ग्रॉसरी शॉप होते हैं ना उसमें डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल उनके पास आता है, फिर वो सेल करते हैं। तो उनसे आप पता कीजिए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो उनसे आपके पास
ये बिल होना चाहिए उनका बिल। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो बिल है ये 180 डेज से ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब 180 डेज यानी 3 महीने पहले से परचेज किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 महीने के अंडर होना चाहिए। इसके बाद आपका इंक्लूड नेम एड्रेस मैचिंग द इन्फॉर्मेशन इन योर सेलर अकाउंट, मतलब आपके जो सेलर अकाउंट में जो GST है, जो भी पिकअप एड्रेस है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और के GST नंबर पर आप बिल बना लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, अपने ही GST नंबर पर आप बिल बनाइए। इंक्लूड द नेम एड्रेस ऑफ मैनुफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो बिल में जो है डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस और वो सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ पर जो है आप परचेज कितना, कम से कम 10 यूनिट आपको परचेज करना है, 10 यूनिट से ज़्यादा ही कीजिएगा तो आपको मिले अप्रूवल मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑप्शनल है, जैसे उसमें कितने प्राइस में आपने परचेज किया वो तो जाहिर है बिल में रहेगा ही, तो ये ऑप्शनल किया है। प्लीज़ नोट डेट वी आर वेरीफाई, अब यहाँ पर अमेजोन ने बोला है कि वो जो आप बिल देंगे उससे अमेजोन वेरीफाई भी करेगा कि आपने जिस सप्लायर का वहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर एड्रेस देंगे तो अमेजोन वहाँ पर वेरीफाई करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। सेलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आप PDF में बिल बन कर लीजिए और बिल को यहाँ पर अपलोड कर दिए, तो पहला तो डॉक्यूमेंट हो गया रीसेलर्स के लिए कि आपको एक बिल चाहिए जिसमें ये कंडीशन है जो फुलफिल आपको करना होगा। उसके बाद गाइज आपके पास यहाँ पर फिसाई लाइसेंस होना चाहिए, फिसाई यानी फूड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और फूड लाइसेंस बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं थंबनेल, यहाँ पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया होता कि कैसे आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, मात्र 100 रुपीज लगता है, आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपका फूड लाइसेंस हो जाएगा। तो ये फूड लाइसेंस आपको बना लेना है। अब यहाँ पर ये फूड लाइसेंस सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपना फूड लाइसेंस जो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेम्पलेट है, डाउनलोड दिस टेम्पलेट और कंप्लीट द सिलेक्टेड हाईलाइट गिवन अपलोड बिलो, तो यहाँ पर देखिए अब आपको ये जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर फूड लाइसेंस जो है वो आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ये देना पड़ेगा, एक टेम्पलेट आपको मिल रहा है वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्या आपको अपलोड करना है टेम्पलेट, देखिए ये टेम्पलेट मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो ये जो टेम्पलेट है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अमेजोन आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, तो देखिए ये टेम्पलेट जो है वो आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप ये क्लिकेबल होता है, यहाँ पर आप जब क्लिक करके इसे एडिट करके अपना जो है वो फिल कर सकते हैं, जैसे देखिए ये एडिटेबल है, तो यहाँ पर आपको अपना जो है वो प्रोप्राइटरशिप वाला पूरा फुल नेम वगैरह सब कुछ यहाँ फिल करना है, अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपका अमेजोन पे जो सेलर किस नेम से डिस्प्ले हो रहा है वो फिल करना है, तो ये अमेजोन ने फिल करके दिया कि आपको फिल करना है, इंस्टॉल योर कंपनी नेम यहाँ फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आपका फिसाई नंबर जो है वो यहाँ पर इंटर करना है, नेम किसके नेम पे है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, डेट प्लेस प्रोप्राइटर का ऑथराइजेशन सिग्नेचर और स्टम्प लगा के फिर आपको यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देना है। तो मैं बैक कर लेता हूँ, इसे आपको प्रिंट ले लेना है और उसका फिर अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, हमने कहाँ तक देखा था हम देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर फूड लाइसेंस अपलोड कर दिया, और फूड लाइसेंस अपलोड करने के बाद पहले हमें रीसेलर सेलेक्ट करना होगा, फूड लाइसेंस जो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, फिर इस टेम्पलेट को अपलोड कर दिया, उसके बाद फिर से आपको एक टेम्पलेट दिया गया है, इस टेम्पलेट को भी आपको यहाँ पर फिल करना है, तो ये डाउनलोड इस टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है, तो टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाता है, इस एक्सेल शीट को भी आपको फिल करना है, तो हम देख लेते हैं, इस एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको अब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं जो आपके इनवॉइस में है वो प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर नेम देना है, देन ब्रांड नेम देना है, सेल्फ लाइफ यानी आप उस प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो कितना है, तो आपको मिनिमम 6 मंथ का तो लेके चलना है, अगर आप EGSIP से सेल कर रहे हो तो 3 मंथ, अगर आप FBA में से भेजना चाहते हो तो 6 मंथ के अंदर होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद आपको ये प्रोडक्ट का स्टोरेज रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये सब कुछ आपको देना है, ये सब आपको बेसिकली प्रोडक्ट में ही मिल जाएगा, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाता है, तो ये सब ये एक्सेल शीट आपको फिल करना है, ये एक्सेल शीट जो आप देख रहे हैं इसे आपको फिल करना है, और इसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो ये एक्सेल शीट मैं यहाँ ले आता हूँ। हाँ, तो ये आपको प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक है या नहीं, अगर ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो यहाँ पर यस या नो आपको वो सेलेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो इसके बाद प्रोडक्ट इंपोर्टेड है या नहीं, अगर बाहर से इंपोर्ट किया गया है ये प्रोडक्ट तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंपोर्टेड है या नहीं है, तो ये आपको ये एक्सेल शीट जब आप फिल कर लेंगे तो इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है जहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पर जब आप डाउनलोड अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लास्ट में आ जाते हैं, ये हम लोग यहाँ से एक्सेल शीट वाला हमने डाउनलोड किया था,
इसके बाद आपको दिस डॉक्यूमेंट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपको ये टिक कर देना है कि दिस प्रोडक्ट लिस्टेड मस्ट बिलोंग ऑन द फूड प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्प्ले ऑन फिशेस लाइसेंस। अब यहाँ पर देखिए गाइस, आप जब फिशाई लाइसेंस लेंगे तो आपको वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, तो जो आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैं पूरा क्लियर उसमें मैंने बताया कैसे आप अपने फूड की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर लिस्ट देंगे इस एक्सेल शीट में, वो जो भी आप लिस्ट देंगे वो आपके जो फूड लाइसेंस में जिस भी जो कैटेगरी होगा वही कैटेगरी के फूड लिस्ट को आप यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये टिक बॉक्स कर लेना है कि दिस प्रोडक्ट मस्ट बिलो द फूड प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्प्ले ऑन द FSSAI लाइसेंस के में आप जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं वही आप यहाँ पर एक्सेल शीट में फिल कर रहे हैं। उसके बाद गाइज आपको लास्ट में जो है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट सेल करना चाहते हैं, चॉकलेट सेल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड सेल करना चाहते हैं और ये सारे जो प्रोडक्ट के लिस्ट यहाँ पर दिए गए अगर ये सेल करना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राई फ्रूट वगैरह अगर सेल करना चाहते हैं तो इसका मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, अगर आप ड्राई फ्रूट चॉकलेट ये सारे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक एडिशनल डॉक्यूमेंट उगा उठेंगे। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है। तो उसमें क्या होता है कि लैब टेस्ट कराना पड़ता है आपके प्रोडक्ट को, तभी आप उन तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ ग्रॉसरी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो हम बैक कर लेते हैं, तो वो ऑप्शनल है, अगर ग्रॉसरी आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर रिसेलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो देना है और फ़ोन नंबर वो देना है और यहाँ पर एग्री एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो विद इन 48 आवर के अंदर आपको जो है यहाँ पर अप्लाई जो रिप्लाई है वो मिल जाता है जो भी आपने अप्लाई किया है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर इनवॉइस जो है वो अपलोड करना होता है। इनवॉइस अपलोड करने के बाद सेकंड में आपको क्या अपलोड करना पड़ता है, आपको फूड लाइसेंस जो है वो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप थर्ड नंबर में देखेंगे तो अमेजोन का जो PDF जो मैंने दिखाया था आपको वो आपको फिल करके यहाँ पर अपलोड करना है और लास्ट में आपको यहाँ पर एक्सेल शीट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो ड्राई फ्रूट वगैरह सेल करना तो एक एडिशनल लाइसेंस है वो चाहिए होता है, वो आपको यहाँ अपलोड करना होता है। उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आप ये ड्राई फ्रूट ये सब कुछ नहीं सेल करना चाहते तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देना है और आई एग्री ऑन सबमिट पर क्लिक कर देना है, बस इतना आपको फिल करना है। इसके बाद बात करें अगर आप मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो सबसे पहले तो आपको फिशाई लाइसेंस चाहिए होता है, फिशाई लाइसेंस मस्ट है। तो फिशाई लाइसेंस कैसे बनाते हैं इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए और यहाँ पर उसे आप बनवा के और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो PDF वाला टेम्पलेट था सेम वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो PDF वाला टेम्पलेट आपके लिए भी रिक्वायर्ड है। तो मैन्युफैक्चरर को बस ये PDF जो है उसे फिल करना है, बड़ी आसानी से फिल कर सकते हो आप। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोप्राइटर का यहाँ पर नेम देना है, यहाँ पर कंपनी का इंस्टॉल कंपनी का एड्रेस और पिन कोड देना है। तो बड़ी आसानी से आप इसे फिल कर सकते हो, इस टेम्पलेट को फिल करके और यहाँ पर अपना साइन ऑथराइज स्टंप करके आप यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको फूड लाइसेंस लग जाएगा, उसके बाद ये टेम्पलेट देना है, मैन्युफैक्चरर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको गाइस वो जो एक्सेल शीट हमने देखा था वो एक्सेल शीट है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा ये वाले एक्सेल शीट, और इस एक्सेल शीट को फिल करके सेव करके यहाँ पर अपलोड कर देना है जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। अब यहाँ पर लास्ट में है कि ड्राई फ्रूट वगैरह आप सेल करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो हमें किसी और वीडियो में करूँगा। लेकिन आप ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं सेल करना चाहते हैं तो आराम से आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको ईमेल एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर देना है बस, और एग्री एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कोई भी इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत है। तो इनवॉइस या ऑथराइजेशन लेटर चाहिए उनको जो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह गाइज आप अप्लाई कर सकते हो, आपको विद इन मुझे लगता है 48 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपका एडिशनल चाहिए होगा तो अमेजोन आपको बताएंगे कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपका पास हो जाता है तो आपको मिल जाएगा। ये आप इसे कहाँ से चेक कर पाएंगे, जब आप अप्लाई कर देंगे तो आप कैटलॉग में जाइएगा और यहाँ पर आपको जैसे ही अप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ पर आप जाइए व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ग्रोसरी ग्रूमिंग फूड जो है वो अभी ड्राफ्ट में है क्योंकि मैंने फिल नहीं किया, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप जैसे ही अप्रूव हो जाएगा स्टेटस है जो है वो अप्रूव्ड का आएगा, यहाँ पर जैसे ऑल में है अगर आप अप्रूव्ड में जाइएगा तो अप्रूव में वो आ जाएगा, फिर आप सेल कर सकते हैं। अगर अप्रूव नहीं हुआ है, डिक्लाइंड हो गया तो डिक्लाइंड में वो शो करेगा और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि किस कारण से जो है वो आपका डिक्लाइन हुआ है और फिर आप उसे फिर यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा हो आप रिप्लाई पर क्लिक करके उन्हें रिप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरह गाइज आप फूड प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर सकते हो। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि अभी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो।
और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो।